लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भारी बारिश के चलते अंबाझरी तालाब ओवर फ्लो, 12 वर्षीय बालक का अपहरण, एटीएम कार्ड चुरा कर खाते से निकाले 2 लाख रुपए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारी बारिश के चलते अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो। नागपुर के बीचों बीच स्थित अंबाझरी तालाब पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से भर चुका है। कल रात हुई भारी बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो गया है। लोग वहां सेल्फी और ओवरफ्लो का आनंद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार 23 सितंबर तक नागपुर का मौसम बदराया बना रहेगा और कई जगह भारी बारिश होने की संभावना है। 12 वर्षीय बालक का अपहरण। नागपुर के सुमित नगर परिसर में 12 वर्षीय बालक के अपहरण की खबर से खलबली मच गई है। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर अपहरण का आरोप लगाया है। मंगलवार को बालक घर लौट आया, तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने खरबी रोड निवासी विशेष विनोद देवघरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एटीएम कार्ड चुरा कर खाते से निकाले 2 लाख रुपए। राजधानी एक्सप्रेस में अज्ञात चोरों ने एक वृद्ध महिला की पर्स से 3 एटीएम कार्ड चुराए। तीनों एटीएम से 1,75,600 रुपए की रकम उड़ा ली। सीतापड़ी निवासी अनीता फुलवानी राजधानी एक्सप्रेस में हजरत निजामुद्दीन से सफर कर रही थी। इस दौरान उनकी पर्स में रखा छोटा हैंडबैग चोरी हो गया। उसमें 3 अलग अलग बैंक के एटीएम थे। एटीएम कार्ड के पीछे पासवर्ड भी लिख रखे थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।